देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, जैसे कोई भी हम मुद्दा लाते हैं, इसको राखी जो ऑफ बीट बना के मुद्दों को नए नए कैरेक्टर्स ला के खड़ा कर देती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम कोई नए नए कैरेक्टर्स को ला के खड़ा करके ऑफ बीट देते हैं। जो जो भी आज आई हैं, तनुश्री जी, आप इनका इंट्रोडक्शन की तो आप लोगों को जरूरत नहीं है, और खुद एक राखी की विक्टिम रही है। एंड ये बात करेंगे खुद इसके बारे में कि इनके साथ क्या क्या हुआ था। तो आप लोगों को पता है कि अभी जो मुद्दा चल रहा है आदिल का, राजीव का, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। और मुझे मुझे लगा कि इंसानियत के नाते मुझे सामने आकर नॉट जस्ट शोइंग सपोर्ट टू बोथ ऑफ देम, बिकॉज आई नो बोथ ऑफ देम, बट ऑल्सो याद दिलाना पब्लिक को कि राखी ने मेरे साथ भी ऐसी ही चीज़ें करी हैं। आप लोग अगर YouTube पे देखेंगे, राखी ने 2018 में 5 से 6 वीडियोस बनाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुला के, और बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत ही इन अ वेरी बैड वे शी मेड वेरी बैड 5 वीडियोस। उसने क्या कुछ नहीं कहा मुझे, मतलब एक इंसान को आप जितनी गंदी गंदी चीज़ें आप कह सकते हो, उसने सारी चीज़ें कह डाली मुझे 2018 में, जब मी टू मूवमेंट चल रहा था, जिसमें उसका कोई काम ही नहीं था। उसका उसको अगर सपोर्ट करना था तो सपोर्ट के लिए आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, उसने पूरा मुझे अपोज कर दिया। और बाद में मुझे पता चला, क्योंकि राखी ने खुद के मुँह से ये बात किसी को बताई थी, मुझे नहीं पता कि वो लोग आके सामने अब खड़े होके बोलेंगे कि नहीं, कि राखी को पैसे मिले थे वो सारे वीडियोस बनाने के लिए जो उसने मेरे बारे में बनाए थे, मेरे ऊपर गंदे गंदे एलिगेशन, मतलब ऐसी ऊटपटांग चीज़ें उसने कही कि उसका कोई सर पैर ही नहीं था। और शरीफ इंसान ना सहम जाता है जब अपने बारे में वो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनता है, शरीफ इंसान सहम जाता है। और मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था उस वक्त, मी टू मूवमेंट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, कुछ लोग मेरे साथ जुड़े थे, बहुत सारे लोग उपोज कर रहे थे मेरी बिल्डिंग के नीचे। बंद करना साइलेंट कौन है, किसका फोन है भाई, फ्लाइट मोड पे डाल दे भाई, फ्लाइट मोड पे साइलेंट कर दे यार। मिश्रा जी आपका ही है। 2018 में जब मी टू मूवमेंट चल रहा था, इतने मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स वैसे भी हो रहे थे, मेरी बिल्डिंग के नीचे गुंडे आ गए थे, थ्रेट कॉल्स आ रहे थे, न्यूज़पेपर्स में थ्रेट्स छप रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, आप लोगों को पता है। उस माहौल में मुझे इस राखी सावंत से लड़ना नहीं, क्योंकि ये बौखलाई हुई सांड के जैसे मेरी तरफ आ गई थी सींग लेकर। आप सबको, आप में से बहुत लोगों को याद होगा उसने जो 5-6 वीडियोस बनाए थे, मतलब वो जैसे अब आदिल के ऊपर टारगेट हो गई है ना, मतलब उसका लिटरली शी इज बौखलाए हुए सींग होता है ना, वो बुल्स, वो वैसे चार्ज करती है लोगों के ऊपर। और जिनको आदत नहीं है ना उतनी गंदगी में जाकर लड़ने की, तो वो सामने वाला इंसान शॉक हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता। पहले तो 1 महीना लगता है शॉक से रिकवर करने में। मुझे एक्चुअली कुछ 8 हफ्ते लग गए थे उसके वीडियोस देखने में भी, क्योंकि जब मुझे लोगों ने फ़ोन करके बोलना शुरू किया कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है, उसने क्या कुछ नहीं कहा मेरे कैरेक्टर के बारे में, मतलब, और हर एक चीज़ मनगढ़ंत, झूठी और बनावटी। She is a pathological liar. I want to tell the whole country, the whole world, जो भी उसका नाम भी जानता है, आज तो आदिल और राजश्री के केस से समझ ही जाना चाहिए कि वो कितनी बड़ी झूठी है। वो हर 5 मिनट में झूठ बोलती है, उसके दिमाग में आइडियाज आते हैं शैतानी कि मैं क्या बोलूँ। और क्योंकि उसका स्तर इतने नीचे है ना कि हम उसके स्तर पर जाके सोच ही नहीं सकते कि वो आगे क्या करेंगे। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे पिछले 50 साल से कि तनुश्री लड़ी क्यों नहीं। आप मुझे देखो, मेरी पर्सनालिटी को देखो, मैं भी बहुत साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने बहुत फिल्में की हैं, मेरी इंटरव्यूज आप देखो, एक इंसान को देखकर उसका स्वभाव, उसकी पर्सनालिटी सबको समझ में आ जाती है। और
राखी भी इंडस्ट्री में बहुत साल से है, राखी को भी सब जानते हैं, वो कितनी गंदगी कर सकती है और कितने लोगों के साथ उसने गंदगी की है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम जैसे लोगों को ना उस जैसे इंसान से लड़ना ही पसंद नहीं है जो बौखलाए हुए सांड के जैसे चार्ज करते हैं आपकी तरफ। आप कैसे लड़ोगे ऐसे इंसान के साथ? आपका तो स्तर ही उतना नीचे गिर नहीं सकता है। वो आप एक गाली दोगे तो वो चार गाली सुना देंगे आपको, तो इज्जत आपकी जाएगी। और एलिगेशंस भी इतने लगा देंगी, एलिगेशंस भी इतने लगा देंगी, आप एलिगेशंस को क्लियर ही नहीं कर पाओगे। किसी को गर्लफ्रेंड बना देगी, किसी को बहन बना देगी, किसी को मर्डरर बना देगी, किसी को रेपिस्ट बना देगी, जो मर्जी वो बना देती। जैसे एक बोलते हैं ना, मैं जैसे हाल ही में भी मैंने कहा था, जो क्राइम थ्रिलर बना देती है, क्राइम के एपिसोड्स बना देगी, ऐसी है वो, ऐसी है, या यहां गई थी वहां गई थी। शी इज अ साइकोपैथ। मुझे बात उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था राखी सावंत के बारे में 2018 के पहले। शी वाज अ नॉन एंटिटी फॉर मी। राखी सावंत वो कहते हैं ना बॉलीवुड में एक साइड कैरेक्टर है जो दूसरों के मैटर में अननेसेसरी अपना सर डाल देती है और खुद ही आके हंगामा करना शुरू कर देती है। बॉलीवुड में जितने बुलीज टाइप के, गुंडे टाइप के, माफिया टाइप के जो एक उस तरह के आदमी है ना, जो लड़कियों को परेशान करते हैं, सारे खराब काम करते हैं, वो ऐसे राखी सावंत के जैसे एक दो पाल के रखते हैं साइड। जब उनका किसी के साथ पंगा होता है तो राखी को फोन करेंगे, कुछ पैसे ऑफर करेंगे या कुछ फेवर ऑफर करेंगे, तो राखी एक्टिवेट हो जाएगी। बिन पहनी का लोटा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो हालत है राखी की। वो सामने आकर उसका मैटर ही नहीं है, उसका मुद्दा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। सामने आके जो जिस इंसान राखी सुपारी लेती है, लिटरली अलग तरह की सुपारी, वर्बल सुपारी। नहीं नहीं नहीं, रियल में भी सुपारी लेती है मेरे, जो मैंने पहले भी कहा है, वो रियल भी सुपारी लेती है। आपके साथ क्या हुआ था? मेरी वर्बल सुपारी ली है। लेकिन आपके हाल ही में मैंने वीडियोस देखे, कल परसों में मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे, तो जो देखता हूँ ना सेम एलिगेशन होते हैं, जो रितेश पे लगे हैं, जो इन पे लगे हैं, मेरे पे सेम एलिगेशन। मुझे ये समझ में आ रहा है आप लोगों ने तो शादी की उनसे, फिर वो एलिगेशन लगाए मुझ पे, वो एलिगेशन। सो शी इज समवन, वो जो खुद करती है ना, वो अपने आप को हटा के सामने वाले टारगेट को उस कैरेक्टर में डाल देती है। जो भी एलिगेशन शी हैज पुट ऑन यू, शी हैज ऑन राजश्री पार्लर वालर का लेके जो भी है। राखी के बारे में बहुत सारी उड़ती उड़ती रूमर्स हमने सुने हैं। जब मैं राखी से कम 15 साल छोटी हूँ, ये बात बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ी मैच्योर हूँ, शांत रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरे पे कोई भी एलिगेशन लगा देगा। मैं राखी से 15 साल छोटी हूँ। क्यों? राखी तो 34 है। कल वो 15 की हो जाएगी। सॉरी मैंने ऐसा कहा, because राखी तो बार बार कहते हैं ना, मैं 34 क्यों, मैं 34 क्यों, मैं 34 क्यों। She is an old hag, एक एक मतलब वो witch होती है ना, witch, क्या कहते हैं उस witch, चुड़ैल वो बुड्ढी चुड़ैल है। वो अपने से यंग लड़के और लड़कियों को वो टॉर्चर करती है, you know? उसको पता है कि जब आपकी उम्र छोटी है ना तो आपने दुनिया ज्यादा देखी नहीं है, और राखी ने कुछ ज्यादा ही दुनिया देख ली है। उसका जो लेवल है ना, मतलब उसका गटर माउथ, उसका बिहेवियर, वो कुछ भी बोलती है, अपना का भी कुछ बोलती है, दूसरे का भी कुछ बोलती है। हम वहाँ से आए ही नहीं है, हम उस बैकग्राउंड से ही आए नहीं है, और ये हमारी गलती नहीं है कि हमने दुनिया वैसे नहीं देखी है। इट्स नॉट माई फॉल्ट कि मुझे उस रास्ते के लेवल का मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उसको पता रहता है व्हेन शी सीज सामने वाले को ना, उसको पता है कि मैं उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाऊँगी ना गंदा गंदा बोल के, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। तो उसको वर्बल सुपारी मिली थी बिकॉज सबको पता है वो गटर माउथ है। और उस वक्त मीटू के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये किसी तरह से चुप हो जाए, शांत हो जाए, ये दूर हट जाए, तो उन्होंने राखी को सुपारी दी और राखी ने आके इतना गंद मचाया कि एक्चुअली मैं शांत हो गई थोड़े टाइम के लिए। मेरा जो मुद्दा चल रहा है, बिकॉज आप तो ऑफ बीट हो जाओगी ना, बिकॉज आपको आपको पता है आपका मुद्दा कुछ है, लेकिन यहाँ ऐसा हो जाता है कि आपको राखी के साथ लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं लड़ी, मुझे समझ में आ गया कि ये रिफ्लेक्शन टैक्टिक है। उन्होंने राखी शिखंडी को सामने कर दिया है। महाभारत की स्टोरी आपको पता है ना, भीष्म पितामह सबसे पावरफुल थे, तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी को आगे कर, तो राखी सावंत शिखंडी है, उसको आगे कर दिया। अब वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसमें मान मर्यादा लज्जा शर्म हया नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो इज्जत तो उसकी उतारी जाती है जिसकी इज्जत है, जिसकी इज्जत है ही नहीं वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खुद कीचड़ में लोटपोट होगा, आपको खींच के कीचड़ में लोटपोट करेगा। और राखी की साइड की स्टोरी आप जाके सुनो, सब गलती होंगी, उनके पांच, उनके कितने भी हस्बैंड हैं वो गलत,
राष्ट्रीय गलत, अब कल ये भी गलत, सब गलत है। वो एक ही है जो सच्ची है, अच्छी है, देवी है, जो टेम्पल है, जो भी वो कहती है अपने आप को, वो एक ही है जो अच्छी है, बाकी सब गलत है, रेपिस्ट है, जो भी वो एलिगेशन लगाती है, सब लोग बहुत बुरे है, सिर्फ ये एक ही अच्छी है। अब एक बात बताऊं, वो ना उसको दिमाग की कोई बीमारी है, बिकॉज उसने जिस तरह की बातें मेरे बारे में बोली, आई वॉज वेरी शॉक्ड, बिकॉज कोई लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में इस तरह का सोच भी नहीं सकती, और उसने सिर्फ सोचा ही नहीं, उसने बोला भी। तो मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि उसकी 5 शादियाँ, अरे इंसान एक गलती कर सकता है, दूसरी तीसरी बार में तो सेटल हो जाएगा, 5 शादियाँ उसको शायद मर्दों में इंटरेस्ट ही नहीं है, 5वीं भी नहीं चली है, नहीं चली ना, तो दोबारा भी रूमर्स भी चल रहे हैं कि नया हीरो को मिलो, मेरा नया हीरो एयरपोर्ट में मिलो, तो 6 की प्लानिंग ऑलरेडी भी चल रही है। इसलिए आई एम टेलिंग यू आदिल, मुझे लगता नहीं कि जेन्युइनली उसको मर्दों में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसने जिस तरह की बातें मेरे को लेकर कही ना, मुझे कभी कभी लगता है कि शी हैज सम काइंड ऑफ, मुझे लगता है कि राखी हैज सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसकी कोई विशफुल थिंकिंग है, उसने ना मेरे बारे में बहुत अजीब चीजें, सिर्फ पैसे लेने की, उसको सिर्फ एक ही चीज की आदत है, पैसे पैसे पैसे। हाँ, 5 शादी की प्रूफ है क्या कुछ, मतलब जिस तरह से 5 शादी की बात करते हैं उसके बारे में कुछ? सुहेल भाई, तो मुझे एक बात बोले आप, तो गूगल में क्यों लिखा है कि 5 शादियां हुई है? देखो एविडेंस, देखो एक सेकंड, अच्छा एक काम करो, वो छोड़ दीजिए, यूट्यूब पर ही है, 5ों की 5ों शादियों की प्रूफ। चलो चलो एक